हिंदुस्तानी रिपोर्टर के साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को दबाइए। ईद के ही दिन पबजी गेम के चलते मुस्लिम युवक ने की आत्महत्या। लोकमान्य तिलक टर्मिनस पर मिले विस्फोटक और धमकी भरी चिट्ठी। कैसे होती है हाईवे के ऊपर गाड़ियों से डीजल चोरी। जोगेश्वरी के मीनार टावर में लगी आग। अस्सलाम वालेकुम, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। तेज खबरों में आपको पहली खबर बता रहे हैं अहमदनगर से। अहमदनगर में राहुरी तालुका है और उसमें आंबी गांव है। इस आंबी गांव में फारूक मंसूर इनामदार इस 19 वर्षीय युवक ने नदी किनारे एक पेड़ से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। फारूक को फांसी लेकर लटकते हुए सबसे पहले उसके भाई शाहरुख मंसूर इनामदार ने देखा। उसने पुलिस को सूचित किया, पुलिस ने आकर के शव को उतारा और पंचनामा करके अस्पताल भेजा। बताया जाता है कि फारूक इनामदार जो है पबजी गेम का दीवाना था और पबजी गेम के इतना मतलब वो अधीन हो चुका था, इतना उसमें वो मशगूल हो चुका था और कयास ये भी लगाया जा रहा है और अब तक की जो बातें सामने आ रही है, जानकारी जो सामने आ रही है उससे यही पता चल रहा है कि पबजी गेम के चलते ही फारूक ने आत्महत्या की। हमारी दूसरी खबर है मुंबई के लोकमान्य तिलक टर्मिनस से। 5 जून को पूरे देश में ईद मनाई जा रही थी, इसी दिन लोकमान्य तिलक टर्मिनस पर शालीमार एक्सप्रेस आई और इस ट्रेन में जिलेटिन विस्फोटक बरामद हुआ। कैसा था ये जिलेटिन विस्फोटक हम आपको बता रहे हैं। इसके साथ में एक चिट्ठी भी मिली जिसमें लिखा था कि अब हम भाजपा को बताएंगे कि क्या कर सकते हैं। बहरहाल तुरंत जो है पुलिस ने इस जिलेटिन विस्फोटक को अपने कब्जे में लिया, डॉग स्क्वाड बुला करके पूरी जांच पड़ताल की गई और पूरी तरीके से जो है अब लोकमान्य टर्मिनस तिलक पर सुरक्षा इंतजाम कड़े कर दिए गए हैं। पुलिस मामले की आगे की जांच कर रही है। हमारी तीसरी खबर मुंबई बेंगलोर हाईवे से है। मुंबई बेंगलोर हाईवे पे पुणे के पास ताथोड़े गांव के पास जो है एक इनोवा कार MH43D9398 में सवार लोग किस तरह से हाईवे पर खड़ी रहने वाली ट्रकों से, बड़ी गाड़ियों से डीजल चोरी कर रहे हैं उसका एक वीडियो हम आपको बता रहे हैं। आमतौर पर अक्सर हाईवे के ऊपर जो है पेट्रोल डीजल चोरी के ऐसे बहुत सारे रैकेट सक्रिय हैं, बहुत सारे गिरोह सक्रिय हैं। ये पहला कोई गिरोह नहीं है, मगर किस तरीके से ये चोरी होती है ये इस वीडियो से साफ हो रहा है और इन्हें खुद ट्रक चालक ने पकड़ा है और फिर ये ट्रक चालक के पकड़ने के बाद कैसे वहां पर डीजल का पाइप और कैन लेकर के अपनी गाड़ी में डाल करके भागते नजर आ रहे हैं वो हमारी इस वीडियो में देखिए। हमारी चौथी खबर है मुंबई के जोगेश्वरी से। यहाँ पर मीनार टावर नाम की इमारत के 12वीं मंजिल पर अचानक आग लग गई। आग लगने के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया, लेकिन खुशकिस्मती यह रही कि किसी तरह की कोई प्राणहानि या जीवित हानि नहीं हुई। दमकल विभाग ने मौके पर पहुंच करके जो है आग पर काबू पा लिया। देखिए कैसे ये आग लगी थी। ये थी आज की हमारी HR तेज खबरें। जल्दी हाजिर होंगे हम अपनी अगली HR तेज खबरों के साथ। हिंदुस्तानी रिपोर्टर के साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को दबाइए।